हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ हितेश और हितेश आईटी में आपका स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे कि ऑनलाइन कोई भी जॉब और एप्लीकेशंस फॉर्म अप्लाई करने के लिए फोटो सिग्नेचर एंड डॉक्यूमेंट कैसे रिसर्च करें। वीडियो को स्किप नहीं करके लास्ट तक जरूर देखिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले हम लोगों को फोटोशॉप में जाना होगा। रन में एक कमांड देते हैं, फोटोशॉप। इसमें अभी हम लोग फोटो और सिग्नेचर ओपन कर लेते हैं। ये हमारा सिग्नेचर और ये हमारा फोटो। तो उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि फोटो और सिग्नेचर का साइज क्या होगा। बहुत सारा पोस्ट में हम लोगों का फोटो और सिग्नेचर का साइज दिया हुआ रहता है। जैसे कि ये देखिए, इसमें आपका विड्थ होगा 220 पिक्सल और हाइट होगा 320 पिक्सल। मिनिमम साइज कितना होगा? 30 KB एंड मैक्सिमम 50 KB। तो हम लोग अभी फोटो का साइज रिसर्च कर लेते हैं। हम लोग क्रॉप टूल लेके इसको पहले क्रॉप करना होगा। क्रॉप कर लेते हैं। अब क्रॉप कर लिया। उसके बाद देखिए, इसमें जो साइज है आपका, विड्थ कितना होगा 220 पिक्सल और हाइट कितना होगा 320 पिक्सल। तो हम लोग इसको फोटो साइज में जाना होगा। फोटो साइज में जाने के बाद इसमें देखिए, जो आपका विड्थ है इसमें कितना है आपका 978, तो इसको हम लोग 220 कर देते हैं। और देखिए, हाइट थोड़ा इसमें कम हो गया, तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। थोड़ा कम होने से अगर हम लोग इसको एग्जैक्ट साइज में मिला देते हैं, जैसे कि हम लोग इधर क्या होगा 220 और 320, इसको भी कर सकते हैं। इसको करने के लिए क्या करना होगा, तो पहले इसको सेव कर लेते हैं, सेव एस कर लेते हैं। उसके बाद मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कैसे करना होगा। डेस्कटॉप, हो गया। और एग्जैक्ट आपका एग्जैक्ट करने के लिए फिर से हम लोग उसको फोटो को ओपन कर लेते हैं। फोटो को ओपन कर लेते हैं और इसमें क्या देना होगा, विड्थ हम लोग का कितना है, विड्थ हम लोग का कितना है 220 पिक्सल और हाइट कितना होगा हम लोगों का 320 पिक्सल, और रेजोल्यूशन 300 कर देते हैं। तो अब इसको जो आपका हमारा जो क्रॉप टूल है, क्रॉप टूल का साइज ये हो गया। अब इसको हम क्रॉप कर देते हैं। ये देखिए, अब इसमें हम लोग फोटो साइज में जाके देख सकते हैं। देखिए, हम लोग का जो साइज है विड्थ कितना हुआ 220 पिक्सल और हाइट कितना होगा 320। इसको ओके कर देते हैं। अब इसको सेव कर देते हैं। अभी देखिए, जो फोटो का जो बैकग्राउंड है, अगर हम लोग ये बैकग्राउंड फोटोशॉप में एडिट करते हैं तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसको हम लोग ऑनलाइन बहुत ही इजी तरीके से इसको रिमूव कर सकते हैं। तो उसके लिए एक ऑप्शन है, उसमें जाना होगा। गूगल में आप सर्च कर लीजिए रिमूव बीजी। देखिए, ऑप्शन का जो आपका जो नेम है www.remove.bg, इसको क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने से ये वाला पेज आ जाएगा, इसमें फोटो को अपलोड कर दीजिए। देखिए, बहुत इजी तरीके से हम लोग फोटो को बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। देखिए, ये अभी एडिट में जाके
कोई भी कलर हम लोग इसे दे सकते हैं, जैसे कि कलर कलर इसमें जो आपको अच्छा लगे उसको आप चूज कर लीजिए। अप्लाई करने के लिए व्हाइट कलर बहुत ही अच्छा है, तो इसको व्हाइट कलर करके इसको डाउनलोड कर दीजिए। अब इसको हम लोग डेस्कटॉप में ले लेते हैं। अभी जो सिग्नेचर का जो साइज है, देखिए जो हम लोगों का जो सिग्नेचर का साइज है वो कितना है आपका 180 पिक्सल, और हाइट क्या है आपका 60 पिक्सल, और इसमें आपका जो मिनिमम साइज 10 KB और मैक्सिमम साइज कितना होगा 30 KB होगा। इसको क्रॉप करना होगा, इसको देखिए हम लोग का जो क्रॉप टूल है वो साइज दिया हुआ है, तो इसको क्या करना होगा क्लियर कर देते हैं। क्लियर करके इसमें आपका कितना होगा विड्थ होगा आपका 180 180 पिक्सल, और हाइट कितना होगा आपका 60 60 पिक्सल। बस अभी इसको इसमें जाइए, तो इसमें देखिए आपका 180 और 60 इसमें हो गया, इसको ओके कर दीजिए। अभी इसको थोड़ा कलर एडजस्ट कर लेते हैं। कलर एडजस्ट करने के लिए हम लोगों को एडजस्टमेंट कर्वस इसको ऑटो कर देते हैं, देखिए ऑटो करके इसको थोड़ा ओके कर देते हैं, इसको सेव कर देते हैं, सेव एज डेस्कटॉप सिग्नेचर। क्रॉप करने के बाद अभी हम लोगों का जो मेमोरी है उसमें मिलाना होगा। देखिए हम लोग को जब फोटो है, फोटो का मेमोरी कितना हुआ प्रॉपर्टीज में जाके देखिए, देखिए इस फोटो का हम लोग अभी साइज देख लेते हैं कितना साइज है। साइज कितना हुआ दीजिए 92 KB, तो हम लोगों को साइज कितना चाहिए 30 to 50 KB के अंदर चाहिए, तो इसको फोटो को रिसर्च करना होगा। देखिए फोटो रिसर्च करने के लिए हम लोग इसको एक वेबसाइट में जाना होगा, जो हम लोग गूगल में सर्च करना होगा। देखिए इधर गूगल में सर्च कर दीजिए इमेज रिसाइजर फॉर यू, इमेज रिसाइजर फॉर यू इसमें जाना होगा। जाने के बाद देखिए पहला वाला जो ऑप्शन है इसमें रिसाइज इमेज डॉट फॉर यू 2GES.com, इसमें जाना होगा। इसमें जाना होगा, मैं डिस्क्रिप्शन लिंक पे ऑफर के लिंक दे दूंगा, तो इसमें जाना होगा। जाने के बाद इसको हम फोटो को अपलोड कर देते हैं, ब्राउज करके जो फोटो है हम लोगों का फोटो को अपलोड कर देते हैं। बहुत ही जल्दी इसे हम लोग इसको रिसर्च कर सकते हैं। देखिए इसमें रिसर्च करने के लिए हम लोग विड्थ और हाइट इसमें भी दे सकते हैं, इसमें भी हम लोग इसको एडजस्ट कर सकते हैं। और उसके बाद देखिए हम लोग का जो आउटपुट फॉर्मेट क्या होगा JPG होगा, और क्वालिटी क्या है इसमें 80, तो इसको क्या कर देते हैं प्रोसेस कर देते हैं। प्रोसेस करने के बाद देखिए हम लोगों का जो रिसाइज जो होगा, इमेज रिसाइज जो होगा उसमें कितना KB होगा आपका 10 KB, तो 10 KB तो हम लोगों का साइज बहुत कम हो जाएगा, तो इसको बढ़ाना होगा। इसको बढ़ाने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा, इसमें जो क्वालिटी है इसको बढ़ा देना होगा, जैसे कि 100% कर देते हैं। देखिए 100% करने से इसमें कितना के भी हो गया, हम लोग का ओरिजिनल साइज कितना था 92 KB, और रिसर्च करने के बाद कितना हुआ 37.72 KB, तो इसको फोटो हम डाउनलोड कर देते हैं। ठीक उसी तरह अभी हम लोग जो हम लोगों का जो सिग्नेचर है उसको भी रिसर्च कर देते हैं। जो हम लोग का जो सिग्नेचर है इसको अपलोड कर देते हैं।
हम लोगों का जो जो हाइट और विड्थ और हाइट जो है इसमें सेम है, तो अब इसको क्या कर देते हैं, ओरिजिनल साइज हम लोगों का कितना है 20 KB। देख लीजिए अगर इसमें साइज मिल गया तो हम लोग को कोई ज़रूरत नहीं साइज मिलाने के लिए। देखिए इसमें अगर मिल गया तो कोई बात नहीं, और इसमें रिसर्च करने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं मिला तो इसको हम लोग क्या करना होगा, रिसर्च करना होगा। इसमें रिसर्च करने से एक फ़ायदा, बहुत अच्छा फ़ायदा यह होता है कि इस इमेज का क्वालिटी बहुत अच्छा रहता है। ये दोनों वेबसाइट हम लोग का बहुत ही काम का है। एक है आपका देखिए बैकग्राउंड फोटो का, कोई भी फोटो का आपका बैकग्राउंड सिर्फ 10 सेकंड पे आप इसको चेंज कर सकते हैं। इसमें कोई भी फोटो सिग्नेचर और डॉक्यूमेंट का साइज हम लोग कम कर सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। और इसमें बहुत अच्छी बात यह है कि इसका जो क्वालिटी है बहुत अच्छा रहता है। ऐसे ही टेक्निकल वीडियो देखने के लिए मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।